सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। थोड़ी देर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। थोड़ी देर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा श्वास भरना और बाहर छोड़ना, प्राणों के आधान के साथ दिव्यता का आधान, शुभ का आधान, शुभ की प्रतिष्ठा और तत्वतः ओम प्रतिष्ठा, ओंकार ब्रह्म में प्रतिष्ठा,
ओंकार ब्रह्म के साथ एकात्मता, तादात्म्य, योग में, ध्यान में, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना में हम भगवान के साथ एकात्म हो जाते हैं। तन्मय तद्रूप तादात्म्य भाव में हम प्रतिष्ठित होकर के भस्त्रिका, फिर थोड़ी देर कपालभाति करेंगे। लय के साथ मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियों के जागरण के संकल्प पूर्वक, सामान्य मध्यम या तीव्र गति का आलंबन लेकर के यथाशक्ति अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हम योगनिष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, ये बड़े शब्द हैं, और जिसके जीवन में ये निष्ठा तत्व सबल होता है, चाहे हम इसको योगनिष्ठा कहें, आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा कहें, गुरुनिष्ठा कहें, शास्त्रनिष्ठा, वेदनिष्ठा कहें, हम चाहे इसको ध्येय निष्ठा कहें, ज्ञान निष्ठा, भाव निष्ठा, कर्म निष्ठा कहें, सेवा निष्ठा कहें, निष्ठा शब्द, निष्ठ शब्द बहुत ऊंचा है। उपनिषदों में चाहे उसको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा है या व्यवहार की दृष्टि से हमारी संबंध निष्ठा, हमारी कार्य निष्ठा, हमारी सेवा निष्ठा, हमारी ध्येय निष्ठा, एक तत्व एक निष्ठा कहीं हमारी स्थापित हो जाती है तो हमारा जीवन निष्ठा से, निष्ठा माने श्रद्धा की पराकाष्ठा, श्रद्धा का अतिरेक, भाव का अतिरेक, प्रेम का, समर्पण का अतिरेक, ऐसे प्रतिदिन हमारे शरीर का अभ्यास ऐसा हो जाए कि व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग साधना, और इस योग साधना के जो साधन हैं वो हमारा स्वभाव बन जाए। मैं इस बात के ऊपर सर्वाधिक बल देता हूँ और स्वयं इसको जीता हूँ, और आप सबसे भी बार बार ये कहता हूँ, हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति, हमारी मूल संस्कृति वो योग ही है। ऐसे इस पर बार बार ध्यान दिलाता हूँ।
मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, हमारा मूल आचरण वो योग है, अध्यात्म है। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम कर लेंगे। बीस से तीस सेकेंड श्वास को बाहर रोकने का हमारा अभ्यास हो जाए तो ये श्रेष्ठ है। ऐसे बाह्य प्राणायाम भी तीन से पांच बार कर लेने से हम मूर्धरेता बन जाते हैं। आराम से श्वास लिया, उसको बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, जालंधर बंद, उड्यान बंद और मूल बंद, तीन बंध लगा करके हम इसको करते हैं। पुरुषों में धातु रोग और बहनों में मातृशक्ति में मासिक धर्म की अनियमितताएं, मेंस्ट्रुएशन के इम्बैलेंसेस और रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर आदि जो काफ़ी बड़े कष्ट होते हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है बाह्य प्राणायाम से। इसको 11, 21 से लेकर के 50 बार, 100 बार तक किया जा सकता है। यद्यपि ऐसा प्रयोग शायद नगण्य व्यक्तियों ने किया होगा, क्योंकि बाह्य प्राणायाम की उस रूप में अभी तक महिमा लोगों ने नहीं जानी है। अभी इसके ऊपर और अनुभव और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। बाह्य प्राणायाम ऐसे जितना समय उपलब्ध हो और आवश्यकता उतना करके फिर उज्जाई भी आइए एक बार कर लेते हैं। ऐसे लगभग एक मिनट रोकने का सभी का अभ्यास होना चाहिए। फिर दाएं नाक को बंद करके मैं इसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, एकदम से नहीं, धैर्य पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक अनुलोम विलोम करेंगे। पूरा लें, पूरा छोड़े, लयबद्ध होकर के एकाग्रता पूर्वक सहजता, प्रसन्नता,
पूर्वक ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, लगातार करेंगे, 5 मिनट तक करना है। योग का अभ्यास इसलिए किया जाता है, मूल इसका प्रयोजन, इससे रोग मिटना, तनाव मिटना, अपने प्रतिरक्षा तंत्र का स्वस्थ होना, योग के सैकड़ों पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं सैकड़ों हजारों योग के। उसका जो मूल प्रयोजन है योगाभ्यास का, योगाभ्यास करके अपने अभ्यासों में हम सात्विकता या दिव्यता लाते हैं। योग के अभ्यास से हमारे जीवन के सभी अभ्यास अच्छे हो जाते हैं। इसलिए मैं 3 बातों पर सर्वाधिक बल देता हूँ, और मैं देखता हूँ ऐसा जो इन 3 बातों को प्राथमिकता देते हैं, देंगे, उनका जीवन बहुत उन्नत होगा, सफल होगा, दिव्य होगा, महान होगा। उनके जीवन में उपलब्धियां होंगी, उनके जीवन में सब प्रकार की विजय ऐश्वर्य होगा, सुख शांति संतुष्टि समृद्धि होगी। मात्र 3 तत्वों के अभ्यास से, 1 योगाभ्यास, दूसरा इसी का अगला चरण है जो योगाभ्यास करता है उसके जीवन में श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, सात्विक व्रतों का अभ्यास, श्रेष्ठ अभ्यास, दिव्य अभ्यास, आध्यात्मिक अभ्यास। तो योगाभ्यास से हमारे अभ्यास श्रेष्ठ हो जाते हैं। अभ्यास माने आदत, हमारा स्वभाव, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी संवेदनाएं। अभ्यास में विचार भी आता है, माने भाव, ज्ञान शक्ति भी आती है। अभ्यास में भाव शक्ति भी आती है, विचारने का, सोचने का अभ्यास, संवेदनाओं का अभ्यास, भावनाओं के, कैसे अभ्यासों में हम जीते हैं, इसमें ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, कर्म शक्ति तीनों आ जाती है। तो योगाभ्यास से हमारे 3 अभ्यास अच्छे हो जाते हैं। योगाभ्यास जीवन के श्रेष्ठ सात्विक दिव्य अभ्यास, और इसी में ही सर्वाधिक बल जिस पर हम देते हैं, पुरुषार्थमय जीवन जीने का अभ्यास। 8 से 18 घंटा पुरुषार्थ करने का अभ्यास, ये जिसका जितना सबल होता जाएगा उसका जीवन उतना ही दिव्य होता चला जाएगा। इसलिए मैं योगाभ्यास में
भोर में उठते ही प्रतिष्ठित होने के लिए कहता हूँ। भोर में उठें तो सबसे पहले योगाभ्यास करें। योगाभ्यास करने से हमारी चेतना की जो दशा है, जो दिशा है, किस माइंड सेट में हम जीते हैं, कौन सी इमोशंस हमें किधर ड्राइव करते हैं, ये सारा डिपेंड करता है कि चेतना के किस बिंदु से हमने अपने सुबह को प्रारंभ किया। वैसे तो मैं बार बार कहता हूँ, जिंदगी की हर सुबह एक नया जीवन है, और उस दिन की शुरुआत, उस दिन का प्रारंभ हम किस भाव चेतना के साथ करते हैं, किस विचार के साथ करते हैं, किस अभ्यास के साथ करते हैं। हमारा डायरेक्शन ये सुबह से शुरू हो जाता है। तो हम से कम कितनी ही व्यस्तताएं हो, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये योगाभ्यास तो हमारा कभी भी छूटना ही नहीं चाहिए। ये हमारी मूल गुरु परंपरा है, ये हमारी मूल ऋषि परंपरा है, ये अपने संस्था और संगठन का मूल मंत्र है, और ये सूत्र, ये संकल्प हमने हजारों, लाखों, करोड़ों भाई बहनों को देश दुनिया में दिया। आइए, अब पहली अंगुली माथे पर, शेष से अंगुली आँखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से करें। ऐसे कम से कम 3 से 5 बार सबको भ्रामरी फिर उद्गीत अवश्य करना चाहिए। ओ
थोड़ी देर मौन हो जाएंगे और प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करते हुए अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। अंतर यात्रा में आत्म प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। प्रारंभ में प्रयत्न करना पड़ता है भगवान के साथ एक आत्म होकर के जीने के लिए। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, इसलिए प्रारंभ में यत्न कहा, प्रयत्न कहा। प्रारंभ में पुरुषार्थ करना पड़ता है और आज हम जिस स्वभाव में आ गए हैं तो अब एक बार भी हम ओंकार ऐसे बोलते हैं भ्रामरी में, उद्गीत में, अथवा बोलने भी की भी आवश्यकता नहीं, ऐसा सोचते हैं ओ मन ही मन, तो ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाते हैं। ऐसे हमें अभ्यास करने हैं। सात्विकता में जीने का, दैवी संपद में जीने का, इसी को श्रीमद् भगवद गीता में कहा, अभयम् सत्व संशुद्धि है ज्ञान योग व्यवस्थिति। और ये फिर क्रम है दैवी संपद का। जब हम अभय हो जाते, निर्भय हो जाते, निर्विकार, निर्विचार, निर्द्वंद्व, निर्विकल्प, निर्विषय हो जाते हैं, ध्यानम निर्विषयम मना, निर्विषय हो गए, कोई विषय नहीं रहा, न कोई शरीर का, न कोई इंद्रियों का, न कोई मन का, न कोई बाहर के संसार का। प्रथम ब्रह्म एक विषय होता है हमारे लिए और वो विषय निर्विषय ही होता है। और प्रारंभ में इसके लिए अभ्यास करते हुए अपने माथे को, अपनी आँखों को, अपने चेहरे को शिथिल छोड़ते हैं। किसी किसी का तनाव में जीने का अभ्यास हो जाता है, माथा भारी हो जाता है, आँखों में तनाव आ जाता है, चेहरे पर सहजता नहीं रहती है। बचपन से लेकर के आज तक जैसा हम बार बार जीते रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे फेस पर, इसलिए फेस का रिफ्लेक्शन, ये हमारे जीवन का रिफ्लेक्शन का है। आम भाषा में भी बोला जाता है चेहरे पर सब आ जाता है, माथे पर सब दिखता है, लिखा हुआ नहीं होता है फिर भी दिखता है, आँखों में कोई रिकॉर्डिंग नहीं लगी होती है फिर भी आँखों से दिखता है, उसके हाव भाव से, फेस से सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है। तो हम यदि किसी कारण से हमारे ऐसे अभ्यास हुए हुए हैं कि हमारे माथे पर, हमारी आँखों में, बंद होने के बाद भी आँखों की पुतलियाँ जिनकी घूमती रहती हैं, ये भी चंचलता है। ये जो अवयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांति अपैशनम दया भूतिश अलोलुप्तम मार्द्वम ह्रीह अचापलम।
ये सभी दैवी संपत्ति के जो गुण हैं, ये चाहे हम एकांत में हैं या हम भीड़ में हैं, हम कार्य में रत हैं, निरत हैं, किसी कार्य में हमारी प्रवृत्ति है या हम निवृत्ति पूर्वक बैठे हुए, सदा हमारी सत्व में प्रतिष्ठा हो, दैवी संपद में प्रतिष्ठा हो। तेज क्षमा धृत शौचम अद्रोह नाति मानित भवंती संपदम दैव अभिजात से। हमारे चेहरे पर, आँखों पर, नासिका पर, ओष्ठों पर, पूरे मुखमंडल पर, गर्दन पर, कंधों पर, हाथों में, वक्षस्थल पर, उदर पृष्ठभाग पर, पैरों में, किसी भी प्रकार का पूरे शरीर में कोई तनाव ना हो, हम सहज रहें, ऐसा हमारा अभ्यास। शरीर के स्तर पर सहज, इंद्रियों के स्तर पर, पाणी पाद पायुपस्थ वाक, हमारी कर्मेंद्रियां सहज हों, हमारे नेत्र, हमारे श्रोत्र, हमारा घ्राण, हमारी त्वचा और हमारी रसना इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रियां हमारी पांचों की पांच, और हमारा अंतःकरण चतुष्ट है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन में केवल ब्रह्म का ही मनन, और बुद्धि में उसी का विचार, उसी का संस्कार, उसी का निश्चय, निर्णय, चित्त में ब्रह्म के ही संस्कार, उसी की स्मृति, और अहम का जो सात्विक रूप है वो ब्रह्म है। अहम का अर्थ होता है स्वयं को अभिव्यक्त करने का स्वभाव, यदि अपने ज्ञान के, अपने संवेदनाओं के, अपने सामर्थ्य के अभिव्यक्ति नहीं रहे तो हम जीवन को जी नहीं सकते। ये है अहंकार का सात्विक स्वरूप। वैसे तो अहम की बात क्या, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से लेकर के पूरे जीवन के ही तीन स्तर हैं, तामसिक, रासिक, सात्विक। तो सत्व में प्रतिष्ठा हो पूरे अस्तित्व की, हमारे प्राणों की, हमारी आत्मा की, सत्व में प्रतिष्ठा हो। ये ध्यान है। शरीर से ध्यान, इंद्रियों से ध्यान, मन से, बुद्धि चित्त से ध्यान, प्राणों से ध्यान, और आत्मा में परमात्मा का मूलतः ध्यान, कि मेरी आत्मा में भी जो ज्ञान, संवेदना सामर्थ्य, मुझ में जो कुछ है सब ब्रह्म का है, परमात्मा का है, और उसी के लिए समर्पित। कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति,
कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति, कर्मणे वाम वेशाय वाम। ओम यदग्ने स्याम अहम त्वं त्वं वाग्खास्याहं स्युष्टे सत्याः इहाशिष। ऐसे ध्यान में अंतर्मुखी हो करके अपनी समग्र चेतना को ब्रह्म के साथ एकात्म करके भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक हम ध्यान किया करें। दोनों हाथों को ऊपर आपस में रगड़ते हैं और आंखों पर हाथ रखते हैं, आंखें खोलते हैं।